respected parents and my dear students. Due to the increasing coronavirus effect, Unique School is starting online classes, so stay at home and use it. Jai Hind, Jai Bharat. Hello students. Today we will study the chapter 1st of class 7, that is component of food. Earlier we have studied about the carbohydrate and the function of carbohydrate. Now in this topic we will study about the protein. What is protein and what is its function? Protein help in body growth and repair. Protein हमारी body की क्या करता है? Growth करता है और उसकी repair करता है. Repair the worn out tissue, so they are also called the bodybuilding food. तो protein क्या है? हमारी bodybuilding food है. Means ये हमारी body की growth करने में और repair करने में help करता है. अगर आपको आपकी बोन की डेंसिटी और मसल्स की डेंसिटी इंक्रीज करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको डाइट में क्या करना ऐड करना पड़ेगा? प्रोटीन. वी गेट प्रोटीन फ्रॉम मिल्क, एग, मीट, फिश एंड ऑल काइंड ऑफ पल्सेस. हमें जो प्रोटीन के सोर्सेज है वो क्या है? मिल्क है सबसे अच्छा सोर्स जो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है, एग है, मीट है, फिश है एंड ऑल काइंड ऑफ पल्सेस. जितनी भी तरह की दालें हैं वो भी सभी हमें कहाँ उसके उन सभी के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है. प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द अमीनो एसिड. और जो प्रोटीन है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है उसे क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड. ये बहुत सारी अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होकर फॉर्मेशन करती है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का. द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर एडल्ट इज 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बॉडी वेट 30 kg है तो आपको प्रोटीन कितना चाहिए डेली? 30 ग्राम, जिससे आपकी ग्रोथ भी क्या होगी? अच्छी होगी. सम मोर फैक्ट अबाउट द प्रोटीन. प्रोटीन आर फॉर्म्ड बाई कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्या आ गया? नाइट्रोजन. कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लेकिन यहाँ पे प्रोटीन के अंदर एक एक्स्ट्रा क्या आ गया? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज मोस्ट असेंशियल एलिमेंट इन प्रोटीन. सम प्रोटीन कंटेन सल्फर एंड फॉस्फोरस. कुछ प्रोटीन है जिसके अंदर क्या कंटेन होता, क्या प्रेजेंट होता है? सल्फर और फॉस्फोरस. प्रोटीन ऑन डाइजेशन फॉर्म अ सिंपल मॉलिक्यूल कॉल्ड अमीनो एसिड. प्रोटीन डाइजेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड. और अमीनो एसिड फिर ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी की सेल्स के पास पहुँचता है, वहाँ पर वो ग्रोथ में हेल्प करता है. इन एन एमरजेंसी दे मे आल्सो गेट ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी. जब आप कभी भूखे हो, खाना नहीं खाया, तो उस समय लंबे समय तक आप कोई काम कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, तो उस समय ये जो प्रोटीन है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट की तरह एनर्जी प्रोवाइड करता है. प्रोटीन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हेयर, नेल्स एक्सेट्रा. प्रोटीन also help our body in synthesis of antibodies. Antibodies की formation में help करता है. Antibodies क्या होती है? जो germs के against resistance provide करती है, मतलब हमारी जो immune system उसको increase करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है. तो protein की help से ही ये amino acid बनती है. Protein are required for growing children. Growing children के लिए बहुत ज़रूरी है. बढ़ती हुई उम्र के जो बच्चे हैं उनको protein की requirement है ज़रूरी. प्रोटीन डिफिशियंसी इन द डाइट कॉजेज द डिजीज रिलेटेड टू प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. प्रोटीन की कमी से क्या होगा? हमें डिजीज होगी, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे. प्रोटीन कैन बी एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन. प्रोटीन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दैट इज प्लांट प्रोटीन एज वेल एज एनिमल प्रोटीन. एनिमल प्रोटीन रिच फूड इंक्लूड. एनिमल प्रोटीन में क्या क्या जाएगा? एग आ गया, फिश आ गया, मीट आ गया, मिल्क आ गया, चीज आ गया. प्लांट प्रोटीन में क्या आ गया? रिच फूड इंक्लूड पल्सेस और बीन्स. तो जो वेजिटेरियन है वो पल्सेस और बीन्स खाए, उसको प्रोटीन का भरपूर स्रोत है उनके अंदर. और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए एग, फिश, मीट और मिल्क हम वेजिटेरियन में ऐड कर सकते हैं. फूड रिच इन प्रोटीन इंक्लूड लीन मीट, फिश, एग, मिल्क, चीज़, नट, बीन्स एक्सेट्रा. ये कुछ एग्जाम्पल थे प्रोटीन के ही. यहाँ पे हमें हमारे पास कुछ एग्जांपल डायग्रामेटिकली दिखा रखे हैं. किसके हैं ये? प्लांट प्रोटीन. जो जो पल्सेस है उनके अंदर क्या प्रेजेंट है?
प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये जो पल्सेज है ये कहाँ से ऑब्टेन होती है हमें प्लांट से, तो ये प्लांट प्रोटीन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है सोर्स ऑफ प्रोटीन के, किससे रिलेटेड, एनिमल से। सो पीछे वाले डायग्राम में किससे रिलेटेड थे, प्लांट से, और ये किससे रिलेटेड है, एनिमल से, तो ये सभी एनिमल प्रोटीन है। एक्सरसाइज आपके लिए, व्हाई आर कार्बोहाइड्रेट आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट जो कि पिछली क्लास में मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन लिखना है आपको यहाँ पे। नेम टू सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के आपके कोई दो स्रोत के नाम बताने हैं। व्हाट आर अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या है, अभी पढ़ा था हमने इसमें। नेक्स्ट नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फैट। सो वी हैव कंप्लीटेड टू टॉपिक, दैट इज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ फैट। फैट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट किससे बने हुए हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है, प्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट था, नाइट्रोजन। बटर एग्जाम्पल आगे, बटर, घी, ऑयल, मिल्क, एग, योक आर द सोर्स ऑफ फैट इन आवर फूड। एन एडल्ट नीड अबाउट 35 ग्राम ऑफ फैट एवरी डे। जो एडल्ट ह्यूमन बींग है उसको कितना फैट चाहिए डेली, 35 ग्राम। आवर बॉडी स्टोर द एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। अगर आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ज़्यादा शुगर खा रहे हो, ज़्यादा चॉकलेट खा रहे हो, तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है तो वो आपका ज़्यादा एनर्जी, ये नहीं कि वो ज़्यादा एनर्जी देगा, अब वो आपको कन्वर्ट, वो आपकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, फैट के अंदर। दिस स्टोर्ड फैट इज़ यूज्ड बाय द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एज व्हेन रिक्वायर्ड। और जैसे ही कभी रिक्वायरमेंट होगी तो ये जो स्टोर्ड फैट है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कुछ ज़्यादा समय के लिए भूखा रह गए, या कोई ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय ये फैट है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो कि हमारी स्किन के अंदर, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। सो फैट इज़ कंसिडर एज ए एनर्जी बैंक फॉर आवर बॉडी। तो क्या है ये, एनर्जी बैंक। फैट आर असेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। ये कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के इन आवर बॉडी। तो ये फैट सोल्यूबल है, मीन्स अगर हमारी, हम डाइट में फैट ऐड करेंगे तो ही ये विटामिन एब्जॉर्ब होंगे। अगर हमने डाइट में पूरी तरह से फैट को बंद कर दिया तो ये विटामिन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल। फैट इन आवर बॉडी आल्सो प्रिवेंट द हीट लॉस। जैसे पोलर बियर के अंदर हमने पढ़ा था अडेप्टेशन पिछली क्लासेस में, कि जो पोलर बियर के अंदर जो स्किन के बीनीथ में जो फैट प्रेजेंट होता है वो उसकी हीट को लॉस करने से बचाता है और वो ठंडे इलाके में आसानी से रहता है। इसी तरह यहाँ पे हम, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। तो सर्दियों में एक्स्ट्रा जो हीट है बॉडी की वो बाहर नहीं निकलने देगा। नाउ सम मोर फैक्ट अबाउट द फैट्स। फैट्स आर वेरी लिटल ऑक्सीजन कंटेंट, मतलब फैट के अंदर जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। फैट प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। आपके पास अब यहाँ पे क्या बताया, जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा किसके कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट सोर्स है और 100 ग्राम फैट सोर्स है, तो दोनों से जो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी वो किससे होगी, फैट से। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए हम फैट खाएं। आपको जो डेली एक्टिविटी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उससे, उसके लिए आपके लिए 35 ग्राम फैटी बहुत है। ऑलवेज ऑफ द फैट बिलो द स्किन प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट द रैपिड लॉस ऑफ हीट। तो फैट क्या कर रहा है, हीट लॉस से बचा रहा है। इट सर्व एज अ सॉल्वेंट फॉर द फैट सोल्यूबल विटामिन। मीन्स अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ए, डी, ई एंड के, उनके लिए, उनका एब्जॉर्प्शन के लिए फैट जरूरी है। इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर एनर्जी स्टोरेज फॉर फ्यूचर यूज, और हमें एनर्जी का भी। दूसरा, ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी ये जो फैट है, फैट की लेयर वो प्रोटेक्ट करती है, उनके चारों तरफ फैट की लेयर रहते हैं जिससे वो इंटरनल ऑर्गन है वो प्रोटेक्टेड होते हैं। कॉमन फूड रिच इन फैट्स इंक्लूड मिल्क, चीज़, बटर, क्रीम, घी, वेजिटेबल ऑयल, मीट एंड फिश लिवर। यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको बता रखे हैं प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। ऊपर जो फैट है वो क्या है, प्लांट सोर्स से ऑब्टेन हो रहे हैं, और नीचे जो फैट है वो किससे ऑब्टेन हो रहे हैं, हमें एनिमल सोर्स से। कैटेगराइज कर दिया हमने टाइप्स ऑफ फैट एंड सोर्स, दो टाइप्स, एक तो जो हमें ऑब्टेन हो रही किससे, प्लांट से, और जो ऑब्टेन हो रहे हमें किससे, एनिमल से। तो प्लांट से कॉमनली आपको पता ही है, जैसे मस्टर्ड हो गया,
मस्टर्ड ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, सीसम, कोकोनट, नट्स, सभी नट्स आ गए इसके अंदर। फैट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, मिल्क, मिल्क के अंदर जो फैट, जो घी निकलता है, एग के अंदर जो एग का योक होता है बीच के सेंटर में उसके अंदर फैट होता है, मीट के अंदर फैट होता है एंड बटर। तो ये कुछ सोर्सेज है किसके, फैट के। नेक्स्ट, फास्ट फूड एंड इल इफेक्ट। फास्ट फूड कौन से होते हैं, वो फूड होते हैं जो इजीली जल्दी से डाइजेस्ट होके और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, उनको क्या बोलते हैं, फास्ट फूड बोलते हैं, इसीलिए इनका नाम फास्ट फूड है। फास्ट फूड इज लाइकली बाई ऑलमोस्ट एवरी वन टूडे फॉर मैनी रीजन। फास्ट फूड इज ईजी एंड कन्वीनियंट टू कुक विद शॉर्ट टाइम, ये जल्दी से खाना पका भी लेते हैं हम इनको। इट टेस्ट एंड फ्लेवर इज ऑल्सो अप्रिशिएट बाई एवरी वन, इसका जो टेस्ट है वो भी सबको अच्छा लगता है। फूड टूडे इज नो मोर होम कुक्ड होलसम फूड बट प्रोसेस्ड फूड एंड द फूड विद मल्टीपल एक्टिविटी। फास्ट फूड इफ ईटन इन लार्ज क्वान्टिटी और रेगुलर बेसिस कैन कॉजेज मैनी एलिमेंट्स लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। तो क्या बता रहा है, अगर हम जो फास्ट फूड है उसको रेगुलर बेसिस पे खाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, हमें ये बीमारी हो सकती है, जैसे ओबेसिटी, मोटापा हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, जिसे शुगर भी बोलते हैं कॉमनली, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। फास्ट फूड कवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट लाइक प्रोसेस फूड, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, पिज़्ज़ा है, मोमोज है, चिली पोटैटो है, चाउमीन है, आलू टिक्की, बर्गर, ये कुछ एग्जांपल हैं किसके, आपके फास्ट फूड के, फ्राइज, वाडा, समोसा एक्सेट्रा। दीज फूड्स आर अनहेल्थी, तो फास्ट फूड क्या है, अनहेल्थी है, ध्यान रखना बच्चों। एंड डू नॉट गिव द न्यूट्रिएंट्स, इससे हमें कोई ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और ना ही विटामिन मिलेंगे, कचरा है ये हमारे शरीर के लिए। ऑफ अ होलसम होम कुक्ड मील, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो अपना घर पे ही खाना बना हुआ है उसी को खाएं, और उनकी तुलना में इन फास्ट फूड के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स नहीं होते जितने कि हमारे घर पे जो खाना पका हुआ उसके अंदर। दे आर लो ऑन न्यूट्रिशन एलिमेंट्स एंड हार्डली प्रोवाइड एनी बेनिफिट टू द बॉडी, क्या कह रहा है, हार्डली प्रोवाइड एनी बेनिफिट, ना के बराबर हमारी बॉडी को ये बेनिफिट पहुँचाएंगे। फूड लाइक पास्ताज, पिज़्ज़ाज, बर्गर, नूडल्स, ये सभी क्या हैं, भाजीज, समोसा एक्सेट्रा, आर हाई ऑन द टेस्ट, इनका टेस्ट ज़्यादा होता है, टेस्ट अच्छा होता है, इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए ये क्या है, हार्मफुल है। मोस्ट फैमिलीज हैव अ नंबर ऑफ अर्निंग इंडिविजुअल विच लीव देम विद नो टाइम और एनर्जी टू डू कन्वेंशन कुकिंग यूजिंग द फ्रेश फूड इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फास्ट फूड। अब जो फास्ट फूड है उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है। फास्ट फूड हैव हाई, वेरी हाई एनर्जी डेंसिटी, इनके अंदर एनर्जी की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एनर्जी डेंसिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैलोरी, मतलब इनके अंदर कैलोरी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, रिलेशन टू द इट्स वेट। फूड विद हाई एनर्जी डेंसिटी कन्फ्यूज द ब्रेन कंट्रोल सिस्टम, तो यहाँ पे जो हाई एनर्जी डेंसिटी या हाई एनर्जी लेवल फूड खाओगे तो जो ब्रेन का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है वो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। रेगुलर इनटेक ऑफ द फैट्स फूड लीड्स टू द वेट गेन एंड ओबेसिटी, से मोटापा होगा। दिस इज बिकॉज द फास्ट फूड्स इंटरफेयर्स विद नॉर्मल एपेटाइट कंट्रोल सिस्टम। द ह्यूमन एपेटाइट वॉज डिजाइंड फॉर लो एनर्जी डेंसिटी, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किसके लिए है, जो पूरा बॉडी का सिस्टम है वो किसके लिए, लो एनर्जी के लिए, और वो एनर्जी जो कि धीरे धीरे प्रोवाइड हो, एक साथ एनर्जी अगर हम कंज्यूम करेंगे ज़्यादा एनर्जी वाला फूड तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, नॉट फॉर हाई एनर्जी डेंसिटी फूड। फास्ट फूड में स्पीड अप द रिस्क ऑफ क्लोज्ड आर्टरीज विच कैन लेड टू द हार्ट अटैक, यहाँ पे जो आर्टरीज है वो ब्लॉक कर दी, ये जो फास्ट फूड ज़्यादा खाने से जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाएगी और उसके कारण क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक। फास्ट फूड मील्स आर हाई इन सैचुरेटेड फैट एंड लो क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम होगा और जो सैचुरेटेड फैट है वो ज़्यादा होगा, वो सैचुरेटेड फैट जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। हमारी बॉडी के लिए कौन सा फैट अच्छा होता है, अनसैचुरेटेड फैट जो कि हमें प्लांट से मिलता है, जो फैट हमें एनिमल से मिलता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है।
आवर बॉडी रिक्वायर्स फाइबर्स एंड हेल्थियर अनसेचुरेटेड फैट। यहाँ पे बताया कि हमारी बॉडी को कैसा फैट चाहिए, अनसेचुरेटेड और हेल्थियर। वो कहाँ से मिलेगा हमें? प्लांट से। फर्स्ट फूड रिप्रेजेंट अ डाइटरी पैटर्न दैट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट रिकमेंडेड फॉर द हेल्थी बॉडी। फर्स्ट फूड कैन बी डिलीशियस बट अ साइलेंट किलर। जो फास्ट फूड है वो हमें टेस्टी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन ये क्या है? साइलेंट किलर है। ये धीरे धीरे हमारी जो बॉडी उसको ख़त्म कर देते हैं, अलग अलग बीमारी पैदा कर देते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है आपका फास्ट फूड के लिए। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टॉट यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।